वी वर डूइंग डिस्कसिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो इसका मैंने फर्स्ट और थर्ड सम आपको करवाया था, फर्स्ट और सेकंड सेम थे, थर्ड और फोर्थ सेम है। इसी तरह एक्चुअली बेसिक सेम है, मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन के फॉर्मूले आपको पता है, तो जो जो उसने बोला है वो फाइंड आउट कीजिए, या तो अबाउट मीन होगा या अबाउट मीडियन होगा। अबाउट मीन होगा तो मीन निकाल के सॉल्व कर दीजिए, अबाउट मीडियन होगा तो मीडियन निकाल के। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसका। फिफ्थ क्वेश्चन लिया है मैंने, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन अबाउट मीन है तो मुझे इसका मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना होगा। मीन कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, सबसे पहले अगर हमें एफ आई एक्स आई दे रखा है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 by 35, 40, 15, 6 are 90, 60, 125, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इनका टोटल कितना आ गया, 5 and 5 10, कितना हो गया 4 3 7 9, इसका टोटल हमारा बन जाता है 350, और इसको प्लस करके बन रहा है हमारा 25। तो ये तो हमने क्या निकाला, मीन निकाल लिया। मीन भी कहाँ निकाला, मीन तो भी हमने निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, मीन्स 350 by 25, तो कितना आ जाएगा 140, कितना आ गया हमारे पास 40। अब हमें क्या निकालना है, हमें मीन डेविएशन निकालना है। आप ध्यान से देखिए, मुझे किसकी जरूरत है, एक्स आई माइनस एक्स बार की जरूरत है, किसकी जरूरत है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। एक्स आई कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, और एक्स बार मीन्स मीन कितना आया 40, तो इन दोनों को माइनस करके लिखना है। बट ध्यान हमें ये देना है कि जो भी हम नंबर लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4, 1 यहाँ से माइनस करेंगे 6, और 25 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11। ओके, तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल दिया। अब क्या निकालना है मुझे, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। तो एफ आई कौन सी लाइन है, एफ आई ये वाली, और एक्स आई माइनस एक्स बार ये वाली, इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे यहां लिखनी है। 7 9 63 4 4 16 6 1 6 6 3 18 11 5 45, तो हमने क्या किया, एफ आई वाली लाइन और एक्स आई माइनस एक्स बार वाली लाइन का मल्टीप्लाई किया, और इन सबको टोटल करके क्या आ गया मेरा 158। अब क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैंने पहले लिख रखा है, आपको ये टिपिकली लर्न होना चाहिए तभी आप इसे सम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन्स इस चीज का समेशन दैट इज 158 अपॉन में समेशन एफ आई, एफ आई का टोटल कितना है हमारा 25, तो इसको हमें लिख दिया 25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.32, तो अब आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना है 6.32। तो मीन डेविएशन हम कर रहे हैं, मीन और डेविएशन अबाउट मीडियन, पिछले समय अबाउट मीन बताया है, अब अबाउट मीडियन, बहुत ही सिंपल सा है। आप मीन मीडियन निकालना सब कुछ क्लास 10th में सीख चुके हैं, मीन निकालिए मीडियन निकालिए, सिंपल से ये फॉर्मूला लगाइए और मीन डेविएशन निकाल लीजिए। चलिए फिर भी हम एक सम और करते हैं आपको, ताकि याद आ जाए कि हम मीडियन जो है कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, याद है ना, सी एफ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ए एज इट इज, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का, यहाँ पे इन दोनों का, और लास्ट में इन सब का, इसका टोटल और ये हमारा सेम। तो अब हमने निकाल दिया सी एफ, तो मीडियन क्या होता था, क्या होता था मीडियन, जब हमें सिंपल होता था, टोटल 26 टर्म है, 26 के बीच वाली टर्म क्या होती,
अगर 25 होती तो हम कह देते कि जो 12th टर्म है 13th टर्म है वो बीच की होगी, लेकिन अब 26 दे दिए तो अब हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ 13th टर्म प्लस 14th टर्म का उसका हम हाफ कर देंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, n बाय 12th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ये होता था मीडियन का फॉर्मूला इफ n इज इवन, और n क्या है आपका 26 इवन है तो हमारा हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया 26 बाय 2 13 13 प्लस 1 14। ओके अगर ये ऑड होता तो हम n प्लस 1 बाय 2 करते, मींस 25 प्लस 1 26 बाय 2 13। अब इसमें 13 टर्म कौन सी होगी, यहां से बता देते हैं, 8 टर्म तक तो 8 है और 14 टर्म तक 6 है, तो 13 और 14 टर्म हमारी xi से काउंट होती है, 8 टर्म तक तो 5 है और 14 टर्म तक क्या है 7, तो 13 और 14 टर्म हमारी क्या जाएगी 7, इसे प्लस किया और हाफ किया तो कितना आ गया 7। अब मुझे क्या निकालना है xi माइनस मीडियन का मोड, xi माइनस मीडियन, मीडियन क्या निकला है 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, मैंने आपको बताया मोड का मीनिंग पॉजिटिव लेना है नेगेटिव नहीं लेना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ गया 8। अब इसे fi से मल्टीप्लाई करेंगे, fi xi माइनस मीडियन, 8 टू 16 0 4 6 10 8 6 48, और इन सब का टोटल करके हमारे पास कितना आ रहा है 84। तो अब क्या आ करेंगे हम 84 और 26 को डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पे कैंसिल हो गया 42 बाय 13। इसे चाहे तो हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करके मेरा आ रहा है 3.23। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अबाउट मीन किस तरह से निकाला जाता है, मीन डेविएशन, अबाउट मीडियन किस तरह से निकाला जाता है। एक छोटी सी एडवाइस इस चैप्टर को करने से पहले, अगर आप थोड़ा सा 10th क्लास की मीन मीडियन मोड को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही